सैटरडे का जो पहला मैच खेला गया आरसीबी और दिल्ली के बीच में, तो दिल्ली के टॉस जीत के और फील्डिंग करने के डिसीजन से फाफ डुप्लेसी का चेहरा देखने लायक था। हालांकि फाफ को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दिल्ली जिस तरह से खेल रही है, मुझे लगता है कि वो तो इस बार कंपटीशन में आए ही नहीं है। पता नहीं उनकी टीम को क्या हो गया है, और हालांकि गलतियां भी बहुत सारी हैं उनकी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। टॉस जीत के जब उन्होंने फील्डिंग की और विराट कोहली ने जिस तरह से शुरुआत की नोकिया के सामने, एक्चुअली फिर से मैं यही कहूंगा कि डेविड वार्नर ने वही गलती की। वो विराट कोहली और फाफ को फास्ट बॉलर्स देने ही नहीं चाहिए, उनको पहले ओवर से स्पिन लगानी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली को भी मालूम है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट वीकनेस उनकी सबको पता है। तो जल्दी से जल्दी स्पिनर्स आएंगे तो पहले ओवर में ही जितने रन मार सकते हो मार लो। वो नोकिया के ऊपर टूट पड़े, और उसके बाद भले दूसरे ओवर में डेविड वार्नर ने स्पिनर लगाया और उन्होंने रन को रोक भी दिया। यही काम आप पहले ओवर में ही क्यों नहीं कर सकते हो, मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। और विराट कोहली ने रन बनाए और बहुत से लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि इस बार विराट कोहली का 700-800 रन का आईपीएल होने वाला है, लेकिन आपको लगता है कि इससे कुछ हो जाएगा? विराट कोहली 1000 रन भी बना दे तो आरसीबी का कुछ बनने वाला है? आरसीबी कुछ ना कुछ तरीका ऐसा निकाल लेती है जिससे वो अल्टीमेटली वो आखिरी में बिल्कुल ही एंटी क्लाइमेक्स कर दे। अब उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, पता नहीं वो विराट कोहली के जमाने से चली आ रही हैं। इन लोगों का बैटिंग ऑर्डर मुझे समझ में ही नहीं आता। महिपाल लोमरोर को आपने ऊपर भेज दिया ग्लेन मैक्सवेल से, जो ग्लेन मैक्सवेल पिछले मैच में फोड़ फाड़ के आ रहा है, उसको चेंज करने की जरूरत क्या है? आपका बेस्ट बैट्समैन को आप बेस्ट, चलो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपका जो एक इनफॉर्म हिटर बैट्समैन है, आप उसको पीछे क्यों कर रहे हो? और एक आप जुआ खेल रहे हो महिपाल लोमरोर को भेज के, तो उससे क्या फायदा हुआ? अल्टीमेटली उसने नुकसान ही करवा दिया। 18 बॉल में उसने 26 रन जरूर बनाए, लेकिन वही 18 बॉल अगर ग्लेन मैक्सवेल खेलेगा तो वो आपको 50 रन बना के भी दे सकता है, जो कि महिपाल लोमरोर से उम्मीद नहीं है। ये जो महिपाल लोमरोर, मैं मानता हूं कि उसकी हिटिंग अच्छी है, लेकिन उसको आप पीछे यूज करो। ग्लेन मैक्सवेल को आप ज्यादा से ज्यादा बॉल खेलने का मौका दो। अब मुझे पता नहीं, अगर इस तरह के काम चलेंगे तो, और ऊपर से हर्षल पटेल को आपने ऊपर भेज दिया, हर्षल पटेल ने भी टेम्पो पूरा खराब किया। ये लोग आसानी से 200 रन बना सकते थे, लेकिन इन लोगों ने 174 ही बनाए, तो अल्टीमेटली 25-26 रन का उन्होंने नुकसान किया सिर्फ अपने बैटिंग ऑर्डर की वजह से। और ऊपर से वो अनुज रावत को जो इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में लेके आ रहे हैं, अभी तक के मैचेस में उसने क्या किया, ये लोग क्या करते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कि आरसीबी कभी भी आईपीएल जीत नहीं सकती है, क्योंकि इस तरह से, चलिए वो तो दिल्ली थी इसलिए वो मैच हार गए इनसे, कोई भी दूसरी टीम होती तो ये इन गलतियों का बहुत अच्छा फायदा उठाती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आप बताइए, महिपाल लोमरोर, उसके बाद हर्षल पटेल और फिर पीछे अनुज रावत, आप इस तरह के बैट्समैन लेके अगर जाएंगे तो फिर आपने 25-30 रन कम बनाए, 25-30 रन कम बनाए, और सामने अगर मान लीजिए कोई भी ढंग की टीम होगी दिल्ली के अलावा, आज इस बार के टूर्नामेंट में दिल्ली के अलावा सारी टीमें इन चीजों का फायदा उठाती हैं। वो तो दिल्ली जो है वो उसकी बैटिंग बिल्कुल ही चल नहीं रही है, इस वजह से वो डिप्रेस्ड भी है और उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है। और रहा साहब, कल तो डेविड वार्नर भी नहीं चला। एक शिकायत मुझे विराट कोहली से है, जो पिछले मैच में भी मैंने कहा था आपसे कि विराट कोहली को थोड़ा सा अपना स्ट्रेचर के बारे में सोचना चाहिए। 50 रन बना के जिस तरह से आप चेस्ट थंपिंग कर रहे हो, ये आपको अच्छा नहीं लगता है? 25,000 इंटरनेशनल रन बनाने के बाद आपको चेस्ट थंपिंग करके दुनिया को क्या दिखाना है कि यू आर द बेस्ट? वैसे ही दुनिया मानती है कि आप बेस्ट हो, तो उसके लिए ये सब करना ठीक नहीं लगता है, और वो भी आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप इस तरह का परफॉर्म करके वहां चेस थंपिंग करो, या वर्ल्ड कप के फाइनल में मैच जिता के वहां चेस थंपिंग करना मैं देखना चाहता हूं। क्या विराट कोहली कर सकता है? देखते हैं, उस दिन मैं बहुत खुश होऊंगा, लेकिन आईपीएल के मैच में दिल्ली के अगेंस्ट चेस थंपिंग, आई डोंट अप्रूव ऑफ इट। खैर, पता नहीं विराट कोहली के फैंस को कैसे ये चीज पसंद आती है, उनको मुबारक। अब दिल्ली की बैटिंग में भी देखिए, पिछले मैच में भी मैंने ये कहा था कि ये पृथ्वी शॉ नहीं चल रहे के दे रहा है आपको, तो आपको कुछ इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब मैं ये कह रहा था, मेरी ये सलाह थी कि आप रोमन पावल से ओपन कराओ, इन्होंने तो रोमन पावल को टीम से बाहर ही कर दिया, और ऊपर से
आपके बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की। जब अक्षर पटेल ने शुरुआत भी की तो इन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर उनको ओवर पिच और स्लॉट में बॉल्स दी, वो तो मारने को बैठे ही है ना, फिर तो मारेंगी। अब अक्षर पटेल को भी बैटिंग वो भले अच्छी कर रहा है लेकिन उसकी बॉलिंग बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुई है। ये तो देखिए, ललित यादव ने भले एक फुल टॉस बॉल पे विकेट लिया विराट कोहली का, लेकिन उसने बॉल कुल मिला के ठीक ही की, चार ओवर में 29 रन दिए। और विराट कोहली का विकेट वो ठीक है, वो कोई वो बहुत अच्छी बॉल पे नहीं मिला, तो मैं ये नहीं मानता कि उसने विकेट अपनी कैपेबिलिटीज से लिया, वो तो विराट कोहली की गलती थी, लेकिन फिर भी बॉलिंग ठीक की। अक्षर पटेल ने तीन ओवर में 25 रन दिए थे तो उसने तीन ही ओवर क्यों किए। और दूसरी बात, जब आपको पता चल गया है कि मुस्तफिजुर रहमान बिल्कुल ही ऑफ कलर है तो आपने उसको क्यों ओवर दिए। और मेरे एक पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं एक लिस्ट बना रहा हूं जो कि थैंक यू लिस्ट है बॉलर्स के लिए। उसमें एक मेरा नाम था टिम सऊदी, दूसरा भुवनेश्वर कुमार, तीसरा उनादकट, और अब चौथा नाम उसमें जुड़ गया है मुस्तफिजुर। ये अब मुझे नहीं लगता कि इनको अगले आईपीएल में हम देखेंगे, क्योंकि इनका जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रहा है वो कुछ भी हो, पिछले मैच में भी भुवनेश्वर ने जो वो अच्छी बॉलिंग की थी वो इस वजह से की थी क्योंकि वो सामने टीम के पास टारगेट 230 रन का था। वही टारगेट अगर 170 का होता तो फिर हम देखते कि भुवनेश्वर के चार ओवर में 55 रन पड़ते। डेविड वॉर्नर की एक और बहुत बड़ी गलती रही बॉलिंग के दौरान, मिच मार्श ने अच्छी खासी बॉलिंग करके दो ओवर में 18 रन देके दो विकेट लिए थे, तो आपने उसे चार ओवर क्यों नहीं डलवाए, आप क्यों मुस्तफिजुर के पीछे पड़े रहे। दूसरी बात, आपने अक्षर से पावर प्ले में बॉलिंग करवाई, आपने ललित यादव से करवाई, आपने कुलदीप यादव से क्यों नहीं करवाई। शुरुआत में फाफ और विराट के सामने कुलदीप यादव को लगाओ और उसको बोलो कि तुझे बॉल स्पिन करके अंदर लेके आना है, देखते हैं फिर ये लोग क्या करते हैं, इनकी वहीं पोल खुल जाएगी। ये दोनों नहीं झेल सकते हैं कुलदीप यादव को, अगर उसकी बॉल स्पिन होके अंदर आ रही है जैसा कि कल स्पिन हो रहा था, उसको बोलना चाहिए था कि ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर लेके आ जरा और देखते हैं ये क्या करते हैं, इन लोगों की हवा बंद हो जाती। डेविड वॉर्नर देखिए, जब टीम हारती है ना तो, और दूसरी बात यह है कि कोई भी बैट्समैन बिल्कुल चल के नहीं दे रहा है, तो डेविड वॉर्नर का कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही मेंटल ब्लॉक हो जाता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, अब उसे बैटिंग भी संभालनी है। अब हालांकि वो बेचारा कल खुद भी आउट हो गया, अदरवाइज बाकी मैचेस में कम से कम वो रन तो बना रहा था, भले ही स्ट्राइक रेट कम हो उसकी। अब देखिए, जितने लोग डेविड वॉर्नर को वो कर रहे हैं क्रिटिसाइज कम बॉलिंग कम स्ट्राइक रेट के लिए, उससे फायदा क्या, देखिए वो कल आउट हो गया तो बाकी टीम का क्या हुआ, वो 154 पे ही ऑल आउट हो गए। तो कम से कम अगर वो डेविड वॉर्नर खेलता रहता तो उनके जीतने की उम्मीद होती, और मुझे पक्का मालूम है कि अगर डेविड वॉर्नर थोड़ा लंबा खेलता तो वो फिर भी मैच जिता सकता था। अक्षर पटेल को तो इन्होंने कसम खा रखी है कि सातवें नंबर से ऊपर लेके आना ही नहीं है। अब ये जो इनका दिल्ली का विकेट कीपर है अभिषेक पोरेल, वो विकेट कीपर तो चलिए अच्छा है मैं मान लेता हूं, लेकिन बैटिंग में वो अक्षर पटेल से ऊपर आ रहा है। इस तरह के काम आप करोगे तो फिर क्या होगा। वो बैटिंग में देखिए अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया है, और कल भी जिस तरह से वो खेल रहा था मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हुआ हो। कुल मिला के दिल्ली के लिए तो अब रास्ता बंद ही नजर आ रहा है, तो अब ये लोग तो पार्टी स्पॉयलर्स का काम कर सकते हैं और इनके करना भी चाहिए। मुझे अभी भी लगता है कि डेविड वॉर्नर और मिचेल मार्श अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ जरूर उलट फेर करेंगे, ये किसी अच्छी टीम का कबाड़ा करेंगे, और इनको करना भी चाहिए तभी टीम कॉम्पिटिशन में कुछ बना रहता है। बाकी दिल्ली के जो कोचेस की टीम है, गांगुली, पॉन्टिंग, शेन वॉटसन, आगरकर, प्रवीण आमरे, इन लोगों को कुछ तो शर्म आ रही होगी कि क्या करना है। ये लोग भी बिल्कुल ब्लैंक बैठे रहते हैं। मुझे गांगुली की शक्ल देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, या तो उसकी कोई बात नहीं मान रहा है, पॉन्टिंग सारी दादागिरी कर रहा है। तो अब अगली बार इन लोगों को ना थोड़ा टीम से निकाल देना चाहिए कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हम खुद ही कर लेंगे कोचिंग, क्योंकि ये क्या फायदा हो रहा है। उल्टे सीधे डिसीजंस, देखिए मैं मान सकता हूं कि प्लेयर्स परफॉर्म ना करें ग्राउंड पे, लेकिन आप प्लानिंग ही गड़बड़ करो वो मुझे समझ में नहीं आता। पृथ्वी शॉ को कब तक घसीटते रहोगे आप। मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे कि रोमन पावल को इनको ओपन कराना चाहिए, वो आपको दो मैच जिता के देगा अपनी बैटिंग से, और जब वो बैटिंग अच्छी करेगा तो वो बॉलिंग भी अच्छी करेगा, बिकॉज ही इज एन ऑलराउंडर। दिल्ली के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और आरसीबी को बधाई हो। अब हम बात करते हैं दूसरे मैच के बारे में जो लखनऊ और पंजाब के बीच में खेला गया। लखनऊ में भी ड्यू इतनी ज्यादा थी कल कि पंजाब ने टॉस जीतते ही फील्डिंग ले ली। खैर मैच के शुरुआत होते ही पंजाब के ऊपर तो बिल्कुल एकदम ओले पड़ गए, क्योंकि शिखर धवन अनफिट हो गए और वो मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे, तो सैम करन को कप्तानी करनी पड़ी। सैम करन ने अपने पूरे करियर में जो 300 मैचेस खेले हैं उसमें पहली बार कल कप्तानी की, और वो बिल्कुल जाहिर तौर पर नजर भी आई
कि वो पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए राहुल से किसी भी टीम को कोई डर नहीं है। जब भी बॉलिंग कोई टीम कर रही हो राहुल को, तो वो उसको भले खेलने भी दो तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 56 गेंदों में उसने 74 रन बनाए, जो कि अपनी किसी भी टीम को हराने के लिए काफी है। क्योंकि आधी टीमें, आधी मैच अगर आप खेल गए हो, आधी आधी बॉल्स आपने खेल ली हैं और उसके बाद आपने 74 रन बनाए, तो फिर क्या होने वाला है। और ऐसा भी नहीं था कि कोई टीम में कोई कोलैप्स हो गया हो बैटिंग का, खैर। लेकिन सैम करन ने क्या किया, सैम करन ने खुद तो 4 ओवर डाले लेकिन अर्शदीप से 3 ही करवाए। उसके बाद वो मैथ्यू शॉट इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसने 2 ओवर में 10 ही रन दिए लेकिन आपने उसको 2 ही ओवर दिए। तो जिस टाइम मैच में कोई बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसी के अच्छा दिन जा रहा है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए कप्तान को। लेकिन अब वो ऑब्वियसली नजर आ रहा था कि सैम करन को कप्तानी का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। और इसी तरह से हरप्रीत ब्रावर ने भी 2 ओवर में 10 रन दिए, फिर भी उसने 2 ही ओवर किए। तो मैथ्यू शॉट और हरप्रीत ब्रावर ने मिला के 4 ओवर में 20 रन दिए, जबकि वो लोग 8 ओवर डाल सकते थे। ऐसे में किसी दूसरे बॉलर का, बल्कि उसको खुद के ओवर्स कम करने चाहिए थे। देखिए आखिरी में जो सैम करन को विकेट मिले, तो आखिरी में तो किसी को भी विकेट मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई बहुत अच्छी बॉलिंग की है, ये तो गलती खैर होनी थी, हो गई। और वो तो सामने लखनऊ की टीम थी, तो लखनऊ की टीम तो ऐसा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले मैचेस में ना गौतम गंभीर को खुद ही ओपन करने आ जाना चाहिए राहुल को बाहर करके। उसको बोलना चाहिए कि अब तुम रहने दो, मैं कर लेता हूं। क्योंकि आज की तारीख में मुझे पता है कि अगर गौतम गंभीर खेलेगा और वो 56 बॉल खेलेगा तो वो 100 रन ठोक देगा आज भी। तो राहुल के बस का कुछ है नहीं, उसके बारे में तो बात ही करना बेकार है। उसको कप्तानी की बिल्कुल धेले भर की अकल नहीं है। मरते पड़ते लखनऊ ने किसी तरह से 159 रन बना लिए, और उसके बाद जब इनकी बॉलिंग आई, बॉलिंग में फिर राहुल ने अपना कमाल दिखाया। पूरी दुनिया चिल्ला रही है, लाउड स्पीकर पर चिल्ला रही है कि रवि बिश्नोई को लाओ, रवि बिश्नोई को लाओ। और ये रवि बिश्नोई को लेके आया 15वें ओवर में। 15वें ओवर में अगर लेके आया, इसका मतलब पक्का है कि वो 4 ओवर तो डाल ही नहीं सकता। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या, कौन सी प्लानिंग थी, कौन आदमी इसको कप्तान कह सकता है। पिछले मैच के हीरो कृणाल पांड्या की पोल आज खुल गई। मैंने आपसे उस मैच में भी कहा था कि जब इनका ये इनका विकेट इतना खराब था कि उसमें कृणाल पांड्या को फायदा हो गया, कल क्या हुआ, सारी पोल खुल गई। ना तो बैटिंग में रन बने और ना बॉलिंग में कुछ हुआ, 3 ओवर में 32 रन भी पड़े। क्यों? क्योंकि बॉल स्पिन भले हो रहा था लेकिन बॉल अच्छा बैट पे आ रहा था। तो जहां बॉल बैट पे आएगा वहां कृणाल पांड्या टाइप के स्पिनर्स की ना पोल खुल जाती है। इनको चाहिए जहां बॉल लो हो रही हो, तब बैट्समैन को थोड़ी परेशानी होती है। कृणाल पांड्या के लिए भी अगले आईपीएल में थोड़ी तकलीफ होने वाली है। हो सकता है अगला आईपीएल तो मिल जाए, लेकिन वो ही डजंट लुक टू बी अप टू दैट मार्क। आखिरी में जिस बॉलर ने आपके लिए मैच बनाया, जिसको थोड़ा फाइटिंग करवाया, वो था रवि बिश्नोई, लेकिन उसने किए 2.5 ओवर। तो 1.5 ओवर उसके आपने कम करवाए और उसने ही सबसे ज्यादा आपको मैच में रखा और मैच जीतने का चांस भी दिया, मतलब यहां तक कि लास्ट ओवर आपने उससे डलवाया। लेकिन फायदा क्या हुआ, आप उसके 1.5 ओवर बचा के घर ले गए, एंजॉय करो उसके साथ। अगले मैच में क्या आपको 5.5 ओवर देगा वो? नहीं, आप एक मैच में 4 ही ओवर करवा सकते हो ना। पता नहीं ये ओनर्स किस तरह से राहुल को झेल रहे हैं। सिकंदर रजा ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, और मैं फिर से ये कहूंगा आपको कि इस आईपीएल में एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट सिकंदर रजा की परफॉर्मेंस सैम करन से बेटर रहेगी। और आपने सिकंदर रजा को खरीदा है 50 लाख में और सैम करन को दिए हैं 18.5 करोड़। मुझे किसी को क्या पैसे मिलते हैं उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये पता चलता है कि इन लोगों का बिजनेस अक्यूमेन क्या है, या इनको क्रिकेट की कितनी समझ है। ये इनमें ना तो बिजनेस अक्यूमेन है और ना ही क्रिकेट की समझ है। तो मुझे ताज्जुब है कि ये गौतम गंभीर उस टीम का कोच है। आज संडे के दोनों मैचेस बहुत मजेदार होने वाले हैं। पहला मैच तो होगा वानखेड़े में मुंबई और केकेआर के बीच में। अब देखना है कि मुंबई जो पिछला मैच जीती थी वो तुक्का था या वो वाकई फॉर्म में आ गए हैं। रोहित शर्मा की बैटिंग के बारे में भी पता चलेगा कि क्या उनका फॉर्म वापस आ गया है और उनमें कुछ समझ आ गई है। और दूसरा मैच जो होना है वो तो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, जो पिछले बार के फाइनलिस्ट के बीच में हुआ था, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में, और ये अहमदाबाद में होना है जो कि गुजरात टाइटंस का घर है। तो आप देखते हैं कि किस तरह से ऊंट करवट बदलता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।